सो हे एवरी वन, वेलकम बैक इन माई यूट्यूब चैनल स्टडी विद तिवाड़ी। दिस इज योर फ्रेंड आशुतोष तिवाड़ी। तो गाइज, जैसे कि आप लोगों को पता हो कि CBSE क्लास 10th सेशन 22-23 का सिलेबस रिलीज कर दिया हुआ है। तो गाइज, आपको बता दें कि हो सकता है कि CBSE ऐसे एक बहुत ही बड़ा चेंज करे आपके सिलेबस में। तो गाइज, वो कौन सा चेंज है आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो गाइज, अभी तक हमें स्टडी विद तिवाड़ी को सब्सक्राइब नहीं की, प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर हिट कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि हम अपने चैनल पर इसी तरह का वीडियो लाते रहते हैं। तो गाइज, आपको बता दें कि ऑलरेडी हम बहुत सारा वीडियो बनाया है, तो आप लोग वो सारा वीडियो नहीं देखे हो तो क्लास 10 का वो वीडियो भी बहुत सारा अपलोड है मेरे चैनल पर, जाकर जरूर वॉच कर लीजिए। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि CBSE है सो पिछले साल भी जो हमारा 10th का बैच था, जिसका एग्जामिनेशन अभी स्टार्ट होने वाला है, उनके सिलेबस में लगभग 2-3 बार चेंजेस किए थे और बहुत सारे चेंजेस उनके सिलेबस में किए थे। वो सिचुएशन को देखकर ऐसे सिलेबस में चेंज ला रहे थे। गाइज, आपको बता दें कि इस बार भी जो क्लास 10th का SST का सिलेबस लॉन्च किया है, इसमें मार्किंग सारे, मतलब जो चारे आपको चार सब्जेक्ट है उसमें 20-20 मार्क्स इस सब्जेक्ट को दिया गया है। लेकिन आपको बता दें कि क्लास 10th का जो हिस्ट्री का सिलेबस है उसमें आपका बहुत ही बड़ा हो सकता है वो चेंज देखने को मिले। तो गाइज, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगा एक न्यू ऐप के बारे में जो कि स्टूडेंट में काफी जल्दी पॉपुलर होते जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा हो, कोर्स हो या JEE नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सोल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट को किसी भी समय क्लियर करें इन 3 स्टेप्स में। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर ले, अपने फोन नंबर से इजी साइन अप कर ले, अपने क्वेश्चन का पिक्चर ले, सबमिट करे और फिलो आपको 60 सेकंड में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड फिलो नाउ। सो गाइस, अपने टॉपिक पे आते हैं, आपको बताते हैं कि आपके हिस्ट्री में कौन सा चेंज देखने को मिल सकता है। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि CBSE जो इस बार सिलेबस लॉन्च किया है, इसमें आप लोग को क्लास 10th के हिस्ट्री में टोटल 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो यस गाइस, आपके हिस्ट्री में टोटल 5 चैप्टर है, वो सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, मतलब कोई भी चैप्टर आपका डिडक्ट नहीं हुआ है सेशन 22-23 के लिए। तो गाइस, आपको बता दें कि आपको 5 चैप्टर हिस्ट्री में आप नहीं पढ़ सकते, मतलब एक साल में 5 चैप्टर हिस्ट्री का कंप्लीट करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल होता है। इसलिए CBSE पिछले साल ऐसे डिलीट किया था इसमें से कुछ चैप्टर्स, लेकिन इस बार सारे चैप्टर्स दिए गए हैं। लेकिन बहुत सारे स्कूल्स हैं जो इस पे आर्गूमेंट कर रहे हैं, लगातार आर्गूमेंट दे रहे हैं CBSE को, तो हो सकता है कि आपका ये सिलेबस है सो रिड्यूस हो सके इसमें से 1-2 चैप्टर। लेकिन ये CBSE तक अभी न्यूज़, मतलब बहुत ही स्टूडेंट इसको वायरल कर रहे हैं इस न्यूज़ को लेकर के, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि हिस्ट्री का जो चैप्टर्स होता है बहुत ही बड़े बड़े होते हैं। और अगर जितना दिन में आपको सिर्फ हिस्ट्री का 5 चैप्टर कंप्लीट होगा, उससे कम दिन में आपका पूरा साइंस का सिलेबस कवर हो सकता है। तो यस गाइज, हिस्ट्री का सिलेबस बहुत ही लेंदी होता है, बहुत ही इसमें डिस्कशन के साथ होता है। तो गाइज, हो सकता है तो आपका हिस्ट्री का जो 5 चैप्टर इसमें से कुछ चैप्टर को रिडक्ट किया जाए। लेकिन अभी तक CBSE से कोई अपडेट नहीं आया, लेकिन हो सकता है तो CBSE से इसके बारे में बहुत जल्द कोई ना कोई अपडेट आए। अगर इस तरह से किसी भी तरह का चेंज होगा तो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। तो गाइज, इसलिए आप स्टडी विद तिवाड़ी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिए। तो गाइज, चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तो गाइज, आप लोग कमेंट में बताइए कि आपको क्या ये चेंज चाहिए या फिर नहीं चाहिए। तो चलिए मिलते हैं किसी और टॉपिक में बहुत जल्द।